कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया मुझे क्या कहती है, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया मुझे क्या कहती है, मैं एक अच्छा बेटा हूँ, ये सिर्फ मेरी माँ कहती है। वेलकम टू बैक न्यू वीडियो गाइज, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसी जबरदस्त होम वर्कआउट की एक्सरसाइज लाया हूँ कि अगर आप लोग भी होम वर्कआउट करते हो तो आप लोग भी घर में ऐसी एक्सरसाइज करके अपनी जो मसल है वो ट्रेड कर सकते हैं, मसल गेंस कर सकते हैं। और आपने वीडियो को फर्स्ट देख ली होगी कि भाई की जो मसल है वो कितनी ट्रेड हो रखी है, गेन हो रखी है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और पसंद आए तो लाइक शेयर बेझिझक कर देना, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बॉडी बिल्डर ऐसा शरीर पाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं, बेस्वाद चीज़ें खाते हैं, ये बोलकर उनकी इंसल्ट मत करो, ये डब्बे की बॉडी है, इंजेक्शन की बॉडी है, उनकी रेस्पेक्ट करो यार, किसी भी इंसान की मेहनत की कदर करनी चाहिए। दोस्तों, एक बॉडी बिल्डर ऐसा शरीर पाने के लिए अपनी जान तक दांव। कुछ कुत्ते हैं जो मेरी पीठ के पीछे मैंने भौंकने के लिए छोड़ रखे हैं, और बेटा मेरा मुंह मत लगना, तेरे जैसो के मैंने मुंह तोड़ रखे हैं। कुछ कुत्ते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया मुझे क्या कहती है, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया मुझे क्या कहती है, मैं एक अच्छा बेटा हूँ, ये सिर्फ मेरी उंगली पकड़। 4 महीने सीखने से कोई चैंपियन नहीं बन जाता, बरसों लगते हैं। गधे और घोड़े में फर्क होता है। बहुत मेहनत की है फिर ये मुकाम पाया है, और अगर लगता है कि मेरा नाम मिटा दोगे तो सुन लो, अभी मेरे माँ मेरे बाप। बहुत मेहनत की है फिर ये मुकाम पाया है, और अगर लगता है कि मेरा नाम मिटा दो। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को भाई का वर्कआउट काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा होगा, और अगर लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को और शेयर भी ज़रूर कर देना। आगे और भी काफ़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज जो कि होम वर्कआउट के माध्यम से भाई ने करके दिखाया है, सो आप लोग ऐसे देख सकते हैं। ये आपके बाइसेप की एक्सरसाइज है, सिंपल आपके पास कोई वेट है, ईंट है, उससे आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके जो आपकी बॉल है वो ट्रेड होती है। सो आप लोग ये एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ एक्सरसाइज देख सकते हैं, हालांकि जो आप लोग कुछ लोग बोलेंगे कि जो डंबल वगैरह हैं जिम के इक्विपमेंट हैं, लेकिन इससे आप लोग अगर आपके पास घर में बने हुए डंबल हैं तो वो भी आप इसकी जगह अप्लाई कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये है आपके शोल्डर की एक्सरसाइज, फर्स्ट थी या सेकेंड थी, ऐसे आपके पास जो भी डंबल है तो ऐसे आप लोग अपने शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी के साथ साथ अगर पूरी बॉडी मेंटेन हो रही तो शोल्डर भी ज़रूरी है। सो आप लोग ये भी एक्सरसाइज अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये जो एक्सरसाइज है ये है आपकी ट्राइसेप की एक्सरसाइज, कुछ लोग बोल रहे थे कि रबड़ से कई एक सारी एक्सरसाइज की जा सकती है, तो इसका भी मैं आप लोगों को जल्दी एक रिव्यू वीडियो बनाऊँगा, जिससे आप लोग कौन सी रबड़ आपके लिए बेस्ट रहेगी, कौन कौन सी एक्सरसाइज आप रबड़ के माध्यम से कर सकते हैं, आप लोग देख ही सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास ऐसे रबड़ बेल्ट है तो आप लोग भी कई एक्सरसाइज इस रबड़ से कर सकते हैं। तो आने वाली वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। नगली एक्सरसाइज ये भी देख सकते हैं, ये भी आपके ट्राइसेप की ही है, जो कि अगर रबड़ है तो उसी से आप एडजस्ट करके ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो ये भी आपके ट्राइसेप की एक्सरसाइज है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अगर रबड़ बेल्ट ख़रीदने को सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी की लेना, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी क्वालिटी की आती हैं, और अगर आप लोग हल्की क्वालिटी की ले लेते हो तो ये जल्दी आपकी ढीली हो जाती, ख़राब हो जाती, मतलब जो इसकी मजबूती और जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा सा जल्दी वीक हो जाती है। सो आप लोग रबड़ बेल्ट ख़रीदने से पहले उसके बारे में ज़रूर रिसर्च कर लेना, एंड आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कौन सी आपके लिए बेस्ट रबड़ बेल्ट रहेगी एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। एंड आप लोग एक्सरसाइज और भी देख सकते हैं, ये आपकी बैक की एक्सरसाइज, तो अगर आपके पास ऐसे कुछ है, वेट है, डंबल है, अगर आपने एडजस्ट बना रखा है देसी इक्विपमेंट, सो आप लोग उसमें उसकी इसकी जगह वो अपने इक्विपमेंट अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये है आपके टी बार, आप लोगों ने जिम में देखा हो तो टी बार की जगह ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी लकड़ी के डंडे में वेट लगा करके ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को वर्कआउट काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा हो तो लाइक ज़रूर बताओ कि आपको कैसा लगा भाई का वर्कआउट, जो होम वर्कआउट भाव ने किया है तो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो ज़रूरी कर देना, साथ में इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर देना, और भी इस भाई के वर्कआउट की वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ।
और भाई की बॉडी के बारे में क्या राय है आप लोग, ये भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। और जो भी मैं डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, अलग अलग जो देसी बॉडी बिल्डर होते हैं उनकी मैं वीडियो डेली नए नए अपलोड करता हूँ, लेकिन अगर आप लोगों में से किसी बंदे की जो वीडियो है और चाहिए होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दिया करो कि इस बंदे की और वीडियो अपलोड करो, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन भी पे क्लिक कर लो ताकि जो भी वीडियो है अपडेट है आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।